नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स को जानेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से हम इन करंट अफेयर्स को करेंगे, जो कि 70 से अधिक क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं और आपके आने वाली परीक्षा में सभी लाभदायक होंगे आपके लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का क्या नाम था जिनका हाल ही में 117 वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया। तो दोस्तों ये थी नबी ताजिमा, ऑप्शन ए नबी ताजिमा जो थी सबसे उम्रदराज महिला थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 26 अप्रैल 2018 को कितने सदस्य देशों को T20 का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का जो है घोषणा की है। तो दोस्तों 104 देशों को जो है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा T20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न दिए जाने की जो है सिफारिश की गई है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की गई है, ऑप्शन ए विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन जानते हैं, आईसीसी द्वारा हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी को रद्द करके उसके स्थान पर किस फॉर्मेट के गेम को खिलाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आईसीसी ने क्या करा है, चैंपियंस ट्रॉफी को रद्द कर दिया है और इसकी जगह पे वर्ल्ड T20 को कराने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विश्व T20 को आयोजित कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR जो होती है, ये वीडियो होती है, वीडियो का फॉर्मेट, उसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह लॉन्च किया है पर्यटन मंत्रालय ने, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने कितने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। तो दोस्तों इन्होंने 24 जो है विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और विश्व बैंक ने जो है मध्य प्रदेश राज्य हेतु जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली NCR में किस स्थान पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो आंसर है ऑप्शन ए नोएडा, दिल्ली का जो नोएडा है, नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को मंजूरी प्रदान की। तो दोस्तों यह है राजस्थान, ऑप्शन सी जो राजस्थान है इसको कैबिनेट ने संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के SC क्षेत्रों की घोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, कहाँ पर हुई है। दोस्तों ये हुई है वुहान, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय SME यानी कि लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों यह आयोजन किया गया है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मौत की सजा को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। दोस्तों यह बन गया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर की जो है पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों यह जीता है शहजार रिजवी ने, ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार $100 बिलियन मार्केट कैप को हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों यह बनाया है TCS ने, TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, IIT के पूर्व 50 छात्रों के द्वारा हाल ही में बनाई गई राजनीतिक पार्टी का नाम बताना है। तो दोस्तों इन्होंने बनाई है बहुजन आज़ाद पार्टी, BAP। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा कहा गया कि यदि चीन की ओर से तिब्बत की संस्कृति को विशिष्ट पहचान और सम्मान मिले तब वे चीन के साथ रह सकते हैं। दोस्तों यह कहा है दलाई लामा ने, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दलितों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने हेतु राहुल गांधी द्वारा आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है। तो दोस्तों इनका राहुल गांधी ने अभियान शुरू किया है उसका नाम है संविधान बचाओ अभियान, यानी कि ऑप्शन ए सही है।
चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बेहतर करने के लिए हाल ही में सरकार ने किस अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों यह अभियान है ग्राम स्वराज अभियान, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर मौजूद सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों के लिए जो है प्रवेश की अनुमति दी है? तो यह सैनिक स्कूल है लखनऊ में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने 1.5 अरब यूजर्स का डेटाबेस जो है अपने आयरलैंड स्थित इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से अमेरिका भेजेगी? तो यह कंपनी है फेसबुक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने शरणार्थी नियमों को कड़ा करने वाले नए आवर्जन बिल को पारित किया है? तो यह आवर्जन बिल पारित किया है फ्रांस ने, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के किस भारतीय बैंक को हाल ही में आरबीआई ने लंदन और सिंगापुर में ऑफिस खोलने की अनुमति दी है? तो यह बैंक है यस बैंक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला है, हाल ही में किस आईटी कंपनी के सीईओ को 38 करोड़ डॉलर यानी कि 2,525 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह कंपनी है गूगल, इसके सीईओ को यह रुपए दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, किस देश के एक सरकारी बैंक ने रोबोट संचालित पहला मानव रहित बैंक शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया है चीन ने, तो ऑप्शन ए सही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य से 27 वर्ष बाद जो है अफ्सपा पूरी तरह हटाया गया है? तो यह कानून हटाया गया है दोस्तों मेघालय से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में मेकोंग नदी में पहली बार किस प्रजाति की जनसंख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो यह प्रजाति है डॉल्फिन की, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ने निम्नलिखित में से किसे वैश्विक कॉर्पोरेट मामलों का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों टाटा ने अध्यक्ष नियुक्त किया है एस जयशंकर को, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक द्वारा जो है विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के नागरिक जो हैं विदेशों से अपने देश में पैसा भेजने में पहले स्थान पर हैं? तो दोस्तों भारत के जो नागरिक हैं वो विदेशों से अपने देश में पैसा भेजने में नंबर वन पर हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी सही है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं आबिये अहमद, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं आरबी पंडित, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। लगभग 2,654 करोड़ के बैंक घोटाले में ईडी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने किस कंपनी की 1,122 करोड़ रुपये की संपत्ति जो है जब्त कर ली है? तो दोस्तों यह ईडी ने जब्त की है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल में दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं एडमिरल हैरी हैरिस, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों जो वारंगल है एक जगह है उसकी दरिया जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, एक विरासत अपनाएं परियोजना के तहत हाल ही में 9 एजेंसियों को कितने विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु आशय पत्र प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 22। तो 22 विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु आशय पत्र प्रदान किए गए हैं और यह परियोजना का नाम है एक विरासत अपनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश से हाल ही में किस नेता को जो है ग्लोबल वीमेंस लीडरशिप अवार्ड हेतु चयनित किया गया है? तो दोस्तों यह चयनित किया गया है चंद्रिका कुमारतुंगा जो कि श्रीलंका से हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के कांडला में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यह शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न विमानों में से कौन सा भारतीय वायुसेना की विंटेज एयरक्राफ्ट फ्लाइट में जल्द ही शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों यह विमान जो है इसका नाम है डकोटा DC-3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की नेशनल असेंबली ने विवादास्पद आवर्जन कानून पारित किया है? तो यह आवर्जन कानून पारित किया है फ्रांस ने, ऑप्शन बी अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कितने सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो हैं हेट स्पीच देने के मामले दर्ज हैं? तो दोस्तों ये मामले दर्ज हैं 58 लोगों के खिलाफ, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला है, रैंड स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च रिपोर्ट 2018 जो कि FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र से संबंधित थी, इसमें भारत की कौन सी कंपनी जो है सर्वश्रेष्ठ है? तो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है सर्वश्रेष्ठ रही है। अगला है, किस संस्था ने अखिल भारतीय आधार पर
तरल क्लोरीन के लिए पहला लाइसेंस दिया है। तो दोस्तों यह संस्था है भारत मानक ब्यूरो, यानी कि ऑप्शन ए भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने T20 में बतौर कप्तान जो है कितने रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों ये 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, वित्तीय संस्थानों में निम्न में से किस के साथ भारत ने जो है नेशनल बायोफार्मा मिशन हेतु कानूनी समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं विश्व बैंक के साथ, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला है, किस देश की जो स्पेस लैब थी तियांगोंग फर्स्ट नाम से, जो हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा कर नष्ट हो गई और उसका कुछ मलबा जो है दक्षिणी प्रशांत में जा गिरा है महासागर में। तो दोस्तों यह लैब थी चीन की, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर राज्यसभा सांसद के तौर पर अपना वेतन और भत्ते जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिए हैं। तो दोस्तों यह है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी, जिन्होंने अपने जो वेतन था और भत्ता था अपने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका के शोध के मुताबिक प्राकृतिक जलवायु और जलवायु परिवर्तन के कारण पिछली एक सदी में सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितने परसेंट तक बढ़ा है। तो दोस्तों ये 10% तक बढ़ गया है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार जो है मजदूरों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर PhD तक की शिक्षा की जो पढ़ाई है उसका खर्च उठाएगी। तो दोस्तों यह मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है किस देश ने भारत द्वारा उपहार में दिए गए 2 नेवी के हेलीकॉप्टर्स में से एक वापस करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों यह है मालदीव, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीन इस साल जून में किस देश के लिए 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है लॉन्च करने वाला है चीन पाकिस्तान के लिए, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है, गुजरात सरकार ने हाल ही में किसे वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। तो दोस्तों वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है अहमद पटेल को, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तुर्की ने किस देश में जो है देश से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का सौदा पक्का किया है। तुर्की ने जो है दोस्तों रूस से मिसाइल प्रणाली जो है रक्षा प्रणाली को खरीदने का सौदा पक्का किया है, तो ऑप्शन सी रूस सही आंसर है। अगला है, हाल ही में किस विभाग द्वारा एक अंतरिक्ष समूह का गठन किया गया है जो अत्यधिक धनाढ्य लोगों के कर और लोन अदायगी संबंधी जो है मामलों की जाँच करेगी। तो दोस्तों यह विभाग है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड यार्ड के आतंकवाद विरोधी प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है नील बसु को, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जंग ए आज़ादी स्मारक कहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों यह बनाया गया है करतारपुर में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति का क्या नाम है जिनके खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। तो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति का नाम है लूला दा सिल्वा को जो है इसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण सागर में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो दोस्तों यह किया है चीन ने, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, शहीद भगत सिंह को दिल्ली प्रवास में पनाह देने वाले व्यक्ति का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे नजीम मिर्जा चंगेजी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कहा गया कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 2018 में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों यह कहा है सेंक्टम वेल्थम मैनेजमेंट की रिपोर्ट ने, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जो है निर्देशों का पालन नहीं करने पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है। तो दोस्तों यह लगाया गया है IDBI बैंक पर, ऑप्शन बी। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा बनाए गए पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम में क्षेत्र के विकास हेतु कितने सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश के मंत्रिमंडल ने
महिला एवं पुरुष के लिए समान वेतन कानून को जो है मंजूरी प्रदान की है, यानी समान पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन। तो दोस्तों यह है UAE, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में पावर लिफ्टर जो है सचिन चौधरी ने कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों इन्होंने जीता था कांस्य पदक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला टेबल टेनिस स्पर्धा का जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की खिलाड़ी मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने कितने लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 14 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विदेश आया प्रवेश के द्वार अभियान शुरू किया गया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद 2 सप्ताह का आपातकाल घोषित कर दिया गया? तो दोस्तों यह आपातकाल घोषित किया गया है इंडोनेशिया में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश के राष्ट्रपति ने कैच एंड रिलीज पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों कैच एंड रिलीज पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका ने, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए प्रस्ताव के मुताबिक दर्शकों की सही संख्या पता लगाने के लिए जो है किस उपकरण में चिप लगाई जाएगी? दोस्तों टीवी में चिप लगाई जाएगी ताकि दर्शकों का सही संख्या में पता लग सके, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, टीवी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि ITDC ने किस राज्य के लिए 550 करोड़ रुपये की जो है अनुमानित लागत पर मेगा पर्यटन गंतव्य परियोजना के विकास के लिए जो है एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपनी 6 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान पहले किस देश में गए? तो दोस्तों ये गए हैं स्वीडन में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, राज्य के बीच आपसी माल परिवहन के लिए बनाई गई किस प्रणाली को हाल ही में 5 राज्यों में जो है प्रारंभ कर दिया है? दोस्तों ये है ई वे बिल प्रणाली, ई वे बिल सिस्टम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो भारतीय वायुसेना का जो अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है उसका नाम है गगन शक्ति 2018, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना % रहेगी? तो दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार जो है 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहने वाली है 7.3%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत ने मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किस देश की सीमा पर 72 घंटों के भीतर 5,000 से अधिक उड़ानें भरी? तो दोस्तों ये है पाकिस्तान, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित रक्षा योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों ये बनाया गया है अजीत डोवाल को, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और वीडियो का आखिर प्रश्न है, भारत सरकार ने विदेश छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम है स्टडी इन इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे अप्रैल के टॉप एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 70+ करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट हमें जरूर बताइएगा ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। और दोस्तों हमारे चैनल नॉलेज वैन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज वैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।